कैसा? अच्छा है। 1 बजे पहुंच के 3-3.30 बजे भी अगर पलटी मारेंगे तो भी पहुंच जाएंगे। रात को ज्योतिर्लिंग करने का रात को तो बंद रहेगा ना। 5 बजे तक तो केवजी खुला है। उधर ही है मंदिर। ज्योतिर्लिंग क्यों बंद रहेगा? अपन त्र्यंबक तो रात में किया था। त्र्यंबक अलग है ना, ये वो हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट है ना, वो देखते हैं। वो होटल वाले को पूछते हैं अगर रात को नहीं हुआ अगले दिन सुबह। अगले दिन सुबह उठ के सब कवर करके राइट नाउ वी आर एट साई प्रसाद ढाबा एंड वी आर ऑन रोड टू औरंगाबाद। वी आर एक्चुअली डिसाइडिंग वेयर टू गो फर्स्ट। सो देयर इज ऑन रोड देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस दैट वी हैव। लेट्स सी कहां पे हम लोग जाते हैं। ये रूट हम लोग ने बहुत किया है। इतना बार हो गया कि बोर हो गए हम लोग। वापस ये रूट करने वाला तो करेगा। एक्चुअली थोड़ा टायर में हवा कम है मेरा, वो भी एक बार चेक कर लेते। माइट बी अ पंक्चर, आई डोंट नो, फिंगर्स क्रॉस्ड। खाली हवा थोड़ा कम है, दिख रहा है आपको? ये देखो, सर पीछे दबा जरा, बेंड हो गया पूरा। पीछे दबा, एक सेकंड। Okay, a little bit of a setback, got a flat tire right now, so Mac wheel is bent right now, so he says he is going to do it in about 5 minutes, that's what he is working on, we'll see. Agar wo ho jata hai theek to achhi baat hai, we can continue our journey, mostly ho jayega. So what he is doing is he is fitting a tube inside my tubeless tire and he says it will work for months. उसके बाद इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेंज इट। लेट्स सी, अभी काम चलाने के लिए सब तो करना ही पड़ेगा अपने। क्या बोलता है बाटी? बाटी इज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटेड क्योंकि होता है, बहुत सी मुश्किलें आएंगी। बेसिकली थोड़ा 1 घंटे का सेटबैक हो गया अपना, 40 मिनट का, बट ठीक है, एटलीस्ट हम लोग बाद में टेंशन फ्री रह सकते हैं। ये मेरे को लग रहा था कि ये प्रॉब्लम है, बट इतना गंदा वाला प्रॉब्लम, क्योंकि रिम बैंड तो तभी उसने बोला ही नहीं मेरे को, वो वाले ने। उसने, मैं उसको पूछा कि रिम से हवा जा रहा है क्या, तो मेरे को बोला नहीं सर। परसों जब भी उसके पास गया था ना, ये टेंशन नहीं, रास्ते में था, उसको पूछा मैं कि हवा जा रहा है, तो उसने बोला टायर में तो इतना मेजर कुछ दिख नहीं रहा, तो उसने खुद ने मुझे बोला रिम से आ रहा है। मैं बोला भाई मैं आता हूँ बाद में करके दूसरे वाले के पास गया ना, फिर मेरे को लगा एड़ा बना रहा है। दूसरे वाले के पास गया तो उसने मेरे को बोला भाई अपना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अब चला दो, एक पंक्चर मिला मेरे को, मैं वो ठीक कर देता हूँ। हाँ तो वो पंक्चर उसने ठीक किया, इसने मस्त में निकाल भी दिया उसको। मेरे को लग रहा है टायर बदल देना पड़ेगा अभी। अभी लद्दाख वद्दाख तो मैं सोच भी नहीं सकता, अगर ऐसा रास्ते में हो गया तो क्या होगा। हर बार जाते टाइम पीछे से गंदा वाला सेटबैक होता है, लास्ट टाइम वो गंदा वाला वो ट्रक का सीन हुआ। पनौती घाट और यहाँ पे साला रॉन्ग वे वाला पब्लिक बहुत है, बहुत टेंशन आता है। ठीक है राइट में आ गए, ये देखो टेस्ट व्हीकल जा रहा है, अपने को राइट में गोल्डी में जाना है। ये इधर खाया था, संस्कृति में खाया था। हाँ करेक्ट,
So this is the Goti road, and we'll be going to Aurangabad right now. And we are actually late. बहुत अच्छा राइड था सो फार. आई डोंट माइंड द डिले बिकॉज हम लोग ने फिर भी कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड काफी जल्दी कवर अप किया. इट्स 11:03 राइट नाउ. वी आर एट गोटी रोड. ये रोड थोड़ा ऐसा है यहाँ बाटी. यू विल हैव टू बेयर विद इट अ लिटिल बिट. ओके, मैं थोड़ा आराम से जा रहा हूँ बिकॉज मेरा ट्यूब लगा हुआ है, मेरे को वापस फाड़ना नहीं उसको. That was my Our road is here. इधर ना साइडलिंग करके भी मतलब नहीं. गरीबों का लद्दाख. थोड़ा देर से आगे राइट में गया तो भंडारदरा वाला पैंगोंग आ जाएगा. भंडारदरा पैंगोंग है ना गरीबों का. कोई तो बोला था, आई थिंक एमएसपी के ब्लॉग में कि तो. अबे क्या बोल रहे तू, मेरा ये नहीं देखा क्या, मेरा भंडारदरा वाला ब्लॉग नहीं देखा क्या? ए लिंबू. ये देख भंडारदरा का लेक आया लेफ्ट साइड में. इधर ही कैंपिंग बना के पैसा कमाने का. बहुत ही सड़ा हुआ एक्सपीरियंस है सो फार इन दिस रोड. थोड़ा और अगर ऐसे चलाएंगे तो मैं वापस यू टर्न मार लूंगा. अच्छा तो लग रहा है ऐसा कोई जगह. आगे एक काम करेगा, आगे मेरे को समझ गया किधर रुकने. अरे इधर मत रुक, इधर मत रुक, आगे थी आगे वो लेफ्ट टर्न के बाद ना एक जगह है. हाँ वो पत्थर के इधर रुक. Right now we are somewhere near Sinner. We've crossed Sinner and we wanted to have some sugarcane juice, so we've just stopped. It's I think 12 o'clock right now, and we still have to go 180 kilometers for Aurangabad for the exact Krishneshwar temple premises. It's going to take three and a half hours minimum. डिपेंडिंग ऑन वेदर वी स्टॉप फॉर लंच और नॉट. भूख तो बहुत लगा यार, लेकिन क्या करनी यार, टाइम बहुत लग जाएगा. वी हैव टू ऑल्सो कवर एलोरा केव्स. इसके लिए आई डोंट थिंक वी विल बी स्टॉपिंग. आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन क्या क्या सीन है सब. एवरीथिंग इट वॉज अ बिग सेटबैक जब वो टायर का सीन हुआ, बट वी हैव कवर्ड अप. आई थिंक 40 to 45 मिनट्स डिले है. अगर कवर अप कर लेते हैं फटक से और टाइम मिलता है तो अपन देख लेंगे केस, नहीं तो फिर देखते जो लिखा है इधर वही होने वाला है. किस किलो रुका है वो तो करते. ब्लू लाइट दिख रहा है क्या? नहीं, हाँ दिख रहा है बंद कर. अरे
मेरा चार्ज कम हो रहा है। सही में एक काम कर, फिर बंद करके चार्जिंग बढ़ा दो उसको। हाँ निकल के मतलब तेरा वायर रहेगा ना कुछ, तो उसको तेरा उसका जैकेट के अंदर रख, ठीक है, और उसको यहाँ पे ये कर दे। अच्छा, और चार्ज होता रहना, वायर निकालना पड़ेगा। अभी जरा सड़ गया तो जाते ही ऑर्डर करते भाई। तो तेरे को तेरे पास है कि तेरे को पूरा निकालना पड़ेगा? रुक रुक, तू मत निकल, मैं निकालता हूँ। देखो बाहर खाने का रेन बार ऑन करना पड़ता है? नहीं नहीं, तू पहले कनेक्ट कर। Now the time is 2:35. हम लोग ने 270 किलोमीटर अब तक किया है। ये रोड पे कभी मत आना। इतना गंदा रोड है, किसने बनाया क्या मालूम, ऊबड़ खाबड़ लॉन्ग स्ट्रेचेस जिसमें सिर्फ खड्डा ही है। मतलब रोड में खड्डा है कि खड्डे में रोड है समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये ऐसा ऐसे सब लोग जा रहे हैं, ट्रैक्टर वैक्टर सब जा रहा है, यही सब चलता रहेगा इधर। So we are hoping that we will reach by probably 4. हाँ, क्योंकि यार नेक तो खाना नहीं खाया है, अपना हालत बहुत खराब है वैसे। देखते हैं कभी पहुँचते हैं, अभी शाम होने जैसा लग रहा है। ये देखो वेदर एकदम मस्त है। So we have almost reached the venue. We are near Grishneshwar temple. The road till now was pathetic. I mean, I don't know why the government isn't doing anything to rectify it. Oh my god, this is, I mean, this is the Eid festival celebration right now. It's a very different environment over here. I think that's the Daulatabad fort. This hotel Kailas, and it was a treacherous ride. It was extremely difficult for us to navigate through those rough patches. We had to literally find the road amongst the potholes. And yaar halat kharab ho gaya. Abhi sham ke, I don't know, 6 baj rahe hain aur hum log ko ye nahi samajh mein aa raha ki hum log mandir wagera ka darshan kare, Ellora caves dekhe ya sirf room mein chill mare. I think we'll have to postpone everything for tomorrow. बिकॉज आज तो होने नहीं वाला है, कुछ पॉसिबल ही नहीं लग रहा है, बट मे बी वील ट्राई एंड गो
to the temple and you know get the darshan done because aaj itna bheed wagera hona nahi chahiye. So we have booked a room for 3500 here. It's an AC room and wahan se by the way caves dikh raha hai. Hum log ke room se nahi but if you go slightly inside there's a separate like they charge extra if you want to see the caves, you know, if you want to face the caves. I don't think we'll be able to vlog when we are in the temple because we are not allowed to carry cell phones over there. Wo sab submit wagera karna padta to wo sab makaj mari hum logo karna hai nahi. So we'll keep the phones inside and you know we'll head for the temple. And whatever jitna hum log ho sakta we'll cover. जा रहे हैं अभी मंदिर के तरफ आजा बाटी और यहाँ पे हमको कुछ नहीं दिख रहा है अभी बीच बीच में रेस्टोरेंट आ रहा है तो उसका लाइट खाली आ रहा है हम लोग को उसके अलावा एकदम मंदिर है एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स ओनली 6:30 यस कुछ भी नहीं दिख रहा है सिवाय कुछ लोगों के जो बाइक पे पता नहीं क्यों बिना हेलमेट के जा रहे हैं वृंदावन में खा सकते हैं यस So we are finally at the temple.